हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्सोज क्लासेस तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ दैट इज़ प्लानिंग तो प्लानिंग की वन शॉट रिविजन मैं आप लोगों को करवाऊंगा देखो वन शॉट रिविजन तो होगी लेकिन मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा और लंबे भी हो जाए लेकिन हम पूरा का पूरा इसको क्या करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाकी सारे चैप्टर्स की वन शॉट और वीडियोज़ को देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है वहां पर आपको बी एस टी की सारी की सारी वन शॉट रिविजन दिख जाएगी और नीचे एक लिंक होगा जिससे आप क्या डाउनलोड कर सकते हो इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और आपका बोर्ड के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ प्लानिंग ठीक है प्लानिंग हमारा टॉपिक है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अब सर वट इज प्लानिंग बेटा प्लानिंग होता है कि आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि वट टू डू प्लानिंग क्या होता है कि आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि सर क्या करना है कैसे करना है कब करना है वट टू डू हाउ टू डू वेन टू डू दिस इज नोन एज प्लानिंग बेटा प्लानिंग पास्ट की करते हो प्रेजेंट की करते हो फ्यूचर की करते हो तो बेटा प्लानिंग हम हमेशा किसकी करते हैं फ्यूचर की करते हैं तो ऑलवेज जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको बिजनेस की क्या करनी होती है दोस्तों प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए आप लोग प्लानिंग करते हो ठीक है अब देखो ध्यान से देखो अब प्लानिंग किस चीज़ की करते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेयर आर वी नाउ अभी हम कहाँ पर है वेयर वी वॉन्ट टू बी आप अपने बिजनेस को कहाँ अचीव करना चाहते हो लेट सपोज आज आपके बिज़नेस की जो सेल्स है वो टेन लाख की सेल्स है और आप अपने बिजनेस की सेल्स वन थाउजेंड करोड़ करना चाहते हो तो बेटा नाउ यू आर प्लानिंग हाउ विल यू गेट देयर अब बेटा टेन लाख की सेल्स से आपको वन थाउजेंड करोड़ की सेल्स पे पहुंचना है तो उसके पीछे जो प्लानिंग लगेगी ठीक है उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतनी ज़्यादा सेल्स अचीव करने के लिए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा अब बेटा एक बंदा था कून्स एंड डोनल उसने प्लानिंग की क्या दी थी उन्होंने क्या दी थी सर हमें डेफिनेशन दी थी प्लानिंग क्या लिखा हुआ है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस बेटा एडवांस में आप लोग प्लान कर रहे हो व्हाट टू डू कैसे करना है अच्छा इसके सबसे पहले आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लो हो सकता है ये आप लोगों को आपके मोबाइल स्क्रीन पे छोटा छोटा दिख रहा हो लेकिन हालांकि मैंने थोड़ा बहुत जूम कर दिया लेकिन इसको डाउनलोड कर लो साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ते रहना प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वट टू डू ठीक है क्या करना है कैसे करना है वेन टू डू एंड हु टू डू इट कौन करके देगा प्लानिंग जो गैप है ना गैप उसको जो है ना खत्म कर देता है ब्रिज कर देता है गैप को फ्रॉम वेयर आर वी नाउ और वेयर वी वॉन्ट टू गो मान लो आज आप यहाँ पर खड़े हो और आपको बेटा बहुत ऊपर जाना है लाइफ के अंदर तो बेटा इसके बीच का जो गैप है ना इसको क्या बोलते हैं बेटा इस गैप को कैसे खत्म करोगे कर आप लोग प्लानिंग करके इस गैप को खत्म कर सकते हो इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू वकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन बेटा अगर आप लोग ने प्लान नहीं करा अगर आप लोगों ने उस हिसाब से एक्टिविटीज़ नहीं करी आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए प्लानिंग के लिए आपको क्या पता होना चाहिए अपने फ्यूचर के टारगेट्स टारगेट्स पता होगे उसी के हिसाब से तो आप लोग अपनी क्या रख पाओगे डेली की एक्टिविटीज़ रख पाओगे ठीक है तो ये वाली डेफिनेशन तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थी प्लानिंग अपने आप में ना एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बात करते हैं प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं बट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग तो बेटा फीचर्स ऑफ प्लानिंग में होता है फोकस इज ऑन इट्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग से आप क्या कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का सबसे पहले मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस करती है प्लानिंग के ऊपर फोकस करती है बाकी सारी जो एक्टिविटीज होती है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है प्लानिंग के ऊपर <coughs> तो जैसे ही आपकी प्लानिंग होगी बाकी सारे फंक्शन जिस हिसाब से वर्क करेगा ठीक है बात करते हैं परवेजिव मतलब प्लानिंग बेटा टॉप मैनेजमेंट को भी करनी पड़ती है मिडल मैनेजमेंट को भी करनी पड़ती है और परवेजिव का अगर मैं बात करूँ तो बेटा हर जगह प्लानिंग चाहिए ठीक है अगर मैं बात करूँ टेंपल्स में भी प्लानिंग चाहिए तो हर एक लेवल पे आपको क्या चाहिए प्लानिंग चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर क्या चाहिए प्लानिंग आपका स्कूल भी चल रहा होता है तो प्रॉपर क्या होती है प्लानिंग कौन सी टीचर का पीरियड किस क्लास में लगेगा क्लास इलेवंथ में कब उनको, पढ़ा उनको पढ़ाना है क्लास ट्वेल्थ में कब पढ़ाना है और बेटा प्लानिंग क्या खत्म हो जाती है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और जैसे मैंने बताया प्लानिंग हमेशा किसकी होती है फ्यूचर के लिए होती है तो इट इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड इसके अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है तो इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग अगर आप किसी डिपार्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो उस डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ बैठ के आपको क्या करनी पड़ता है प्लानिंग करनी पड़ती है उनकी भी सुननी पड़ती है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव्स को फाइनली क्या करना है अचीव करना है तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है सब प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का ठीक है परवेजिव है मतलब हर जगह आपको प्लानिंग लगेगी सर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इट इज फ्यूचरिस्टिक एंड इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग सिंपल सी बात है बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है ध्यान से देखना प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्लानिंग प्रोवाइड करती है आपको डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है जैसे मान लो अभी आप लोगों के एग्जाम जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम जा रही है तो आपने प्लानिंग कर रखी होगी कि आज इतना टॉपिक में से ये वाला सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में से वाला टॉपिक करूंगा इस सब्जेक्ट में से वाला टॉपिक करूंगा तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करके देगी बच्चों डायरेक्शन प्रोवाइड करके कर देती है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी क्या होता है बेटा बिजनेस में नहीं पता कि कल को क्या हो जाए तो आप लोग जो है ना सारे नेगेटिव फैक्टर्स को पहले से ही कंसिडर करके रखते हो और ये देखते हो कि इस नेगेटिव फैक्टर से आपके बिजनेस में क्या चेंज आएगा उस चेंज के लिए आप पहले से ही तैयार रहते हो ठीक है उस चेंज के लिए आप पहले से ही क्या रहते हो तैयार रहते हो उस प्रॉब्लम के लिए आप लोग पहले से तैयार रहते हो तो एकदम से आपको शॉक भी मिलता अरे ये क्या हो गया क्योंकि आपने उसके बारे में पहले से ही सोच के रख रखा था ठीक है तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी मतलब एकदम से ये क्या हो गया ऐसी वाली सिचुएशन नहीं आती बिकॉज आपने हर एक प्रॉब्लम के लिए फ्यूचर में क्या कर रखा था प्लान जैसे मान लो लोग भागे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं क्यों एकदम से किसी की तबीयत खराब हो गई तो एकदम से डर नहीं जाते कि यार अब हॉस्पिटल का इतना ज़्यादा खर्चा आएगा हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमें पता है कि चलो ठीक है इलाज हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएंगे पैसे मिल जाएंगे प्लानिंग रिड्यूज वेस्टफुल एक्टिविटीज़ अब बच्चों आपको पता है कि फाइनली वट इज़ योर टारगेट उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी बाकी की जो एक्टिविटीज है उसको वो सारी क्या है वेस्ट उन एक्टिविटीज़ को आपको क्या करना है रिड्यूस करना है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज तो बेटा अगर हम बात करते हैं आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता है कि सर क्या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे न्यू वेज भी हो सकते हैं अचीव करने के लिए जरूरी थोड़ी ना पुराने वेज को यूज करके उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करोगे नहीं थोड़ा सा अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक होके थोड़े फ्यूचर के प्लान्स को क्या कर दो ईजी कर दो तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज तो बेटा यहाँ पर आपका दिमाग चलता है एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स अब जब आपका आइडियाज आ गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आइडिया आपका प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग तो प्लानिंग से क्या होता है डिसीजन मेकिंग एक प्लान मतलब अगर आपने प्लानिंग कर ली आपको पता चल गया कि अच्छा दीज द एक्टिविटीज वी हैव टू डू टू अचीव द टारगेट्स बस उस हिसाब से आप लोग काम करोगे तो अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन एक टारगेट है आपके माइंड में मैंने क्या बोला था टेन लाख की सीस थी हमें वन थाउजेंड करोड़ की सीस करनी है तो कैसे पहुंचेंगे सर मैनेजर्स हैज टू वैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव तो सर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी अब आप देखोगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा ऑप्शन कंफर्टेबल है अचीव करने के लिए सेलेक्ट द मोस्ट वाइबल ऑप्शन मतलब जो आपके लिए सबसे ईजी ऑप्शन है उसको क्या कर सकते हो सेलेक्ट कर सकते हो उस सेल्स को पहुंचने के लिए प्लानिंग स्टैब्लिशेज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग बेटा प्लानिंग से जो है ना आप क्या कर सकते हो स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो किसके लिए कंट्रोलिंग के लिए आपने प्लान करा कि 1000 करोड़ की सेल्स करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको डेली लेट सपोज वो एट आवर्स काम करते हैं तो एट आवर्स के अंदर उसको हर एक बंदे को हंड्रेड टी शर्ट्स बनानी पड़ेगी कितनी टी शर्ट्स बनानी पड़ेगी हमारी टी शर्ट मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ वन थाउजेंड टी शर्ट्स बनानी पड़ेगी आठ घंटे के अंदर ठीक है तो बेटा ये क्या स्टार्ट कर दिया हमने स्टैंडर्ड अब पता चला जो वर्कर्स है उसमें से किसी वर्कर ने 900 टी शर्ट बनाई किसी ने 700 टी शर्ट बनाई किसी ने 1100 हंड्रेड टी शर्ट्स बना दी तो हम लोग पूछेंगे भाई 900 क्यों बनाई 700 क्यों बनाई पूरा का पूरा क्या रखना पड़ेगा कंट्रोल भाई साहब आप लोगों ने प्लान करा के सर हम लोग को नाइन्टी प्लस मार्क्स लाना है लेकिन बेटा किसी का डंडा तो होगा ना आपके ऊपर सर के ऊपर कंट्रोलिंग रखने के लिए मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तो प्लानिंग से क्या होगी कंट्रोल तो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। तो जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड बोला मैंने वर्कर्स को कि भाई आठ घंटे के अंदर तुम्हें तो वन थाउजेंड टी शर्ट्स बना के देनी है हर एक वर्कर को तो यहाँ पे मैंने उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करा इवेलुएट करा इवेल्युएट करा तो पता चला किसी ने नौ सौ बनाई किसी ने सात सौ बनाई कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग बेटा कंट्रोल आप किसी को ऊपर रखते हो विदाउट प्लानिंग आप जैसे मान लो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो उनका डेली बेसिस का क्या बना रहा हूँ स्डियल बना रहा हूँ कि भाई आज आपको ये वाला टॉपिक करना है आज आपको ये वाला टॉपिक करना है फिर मेरे को उनका पूछना पड़ेगा भाई ये वाला टॉपिक आपने खत्म करा नहीं करा दस प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल अगर प्लान ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे रखोगे ना ठीक है सर तो अगर मैं बोलूँ देखो ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बेटा स्टेप्स इन प्लानिंग ये वाला तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे क्वेश्चन आ सकता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस अब बेटा स्टेप्स को हमेशा आप सीक्वेंस वाइज लर्न करते हो इंपॉर्टेंस को आप लोग ऊपर नीचे लग सकते हो लेकिन जो स्टेप है उसको सीक्वेंस वाइज लर्न करना है मतलब सर अगर ये पहला स्टेप है तो पहला ही है ये सेकेंड स्टेप ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्सथ और सेवन्थ मतलब सीक्वेंस आपको ऊपर नीचे नहीं करनी क्वेश्चन कैसे आ जाएगा वो बोलेगा कि हम लोग इस वाले स्टेप पे बताओ उससे नेक्स्ट स्टेप कौन सा है तो आपको फिर पॉइंट नंबर फोर करना है अब इसमें ऐसे कंजूसी मत करना कि सर सर चार हेडिंग्स कर जाते हैं अब ये नहीं भाई वो बोल देगा कि हम इंप्लीमेंट प्लान पे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फॉलोअप अब देखो ध्यान से अब आपके दिमाग में था ऑब्जेक्टिव कि भाई मेरे को जो है ना 90 परसेंट प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव जब आप क्लास ट्वेल्थ में आए थे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव था 95 परसेंट मार्क्स लाने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है ये करना है वो करना है तो आपके दिमाग में क्या थे सर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइस अब प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है एजम्पन आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव था और आपने कुछ एजम्पन्स लगाई कि भाई इन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं ठीक है तो आपने कुछ सोचा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे मान लो आप लोगों ने बोला कि वो तो हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे और कुछ सब्जेक्ट की हम लोग क्या लगा लेंगे ट्यूशन लगा लेंगे ठीक है कोचिंग क्लासेस को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तो अब आपने फाइनली डिसाइड करा कि कुछ सब्जेक्ट मैं सेल्फ स्टडी करूँगा कुछ सब्जेक्ट्स की मैं ट्यूशन लगाऊंगा अब ट्यूशन में आप जाते हो ट्रायल क्लास के लिए ट्यूशन नंबर ए पे गए ट्यूशन नंबर बी पे गए आपने वहाँ पे क्या ली बच्चों ट्रायल क्लास ली एवेल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अब आप लोगों ने फिर दोबारा से जो भी आपने ऑल्टरनेटिव जो डिसाइड करें ए और बी उनकी क्या करी प्रॉपर इवेल्यूएशन अब जब आप घर पर आए आपने बोला यार उन वाले सर ने वो चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी दूसरे वाले सर के ये वाली प्रॉब्लम थी वो वाली प्रॉब्लम थी आपने प्रॉपर क्या करा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का इवेल्यूशन इवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है चेकिंग फिर तो घर पे आपने सोचा कि कौन से टीचर की बात एकदम जो ना हमारे दिमाग में गई कौन से फिर आपने सेलेक्ट करा बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने बोला ठीक है मेरे को ट्यूशन नंबर ए में जाना है फिर आपने अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दिया दो सब्जेक्ट आपको सेल्फ स्टडी करना था आपने सेल्फ स्टडी करा बाकी के सब्जेक्ट्स के आपने क्या लगा ली बच्चे ट्यूशन लगा ली एंड बाद में आपका क्या होता रहा फॉलो अप प्लान मतलब फॉलो अप का मतलब क्या होता है आपने जो भी टारगेट्स बना रखे थे अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स खुद बना रखे थे तो आप प्रॉपरली उसकी चेकिंग कर रहे हो कि वेदर मेरा जो प्लान है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा अप्रैल में आपका जो टारगेट्स था मई में, में आपका जो टारगेट्स था जून में आपका जो टारगेट्स था तो आप फॉलो अप ले रहे हो कि क्या मैं इन टारगेट्स को पूरा करता जा रहा हूँ दिस इज नोट एज अप जैसे आपका टीचर है जिस भी सब्जेक्ट की आपने ट्यूशन्स लगा रखी थी तो जब वो आप लोगों का टेस्ट कर लिए बोला कि हम आपका पूरा सिलेबस का टेस्ट लेंगे बी का तो क्या वो फॉलो अप ले रही है कि भाई आपने प्रिपरेशन कर ली आपने तैयारी कर ली इस वाले चैप्टर की नहीं तैयारी करी तो बेटा दिस इज नोन एज फॉलो तो ये सारे स्टेप्स होते हैं किसके आपके स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस समझ में आया नहीं आया तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा नाइन्टी फाइव परसेंट प्लस मार्क्स लाने हैं डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमाइसिस प्रोमाइसिस का मतलब होता है एजमशन आपने डिसाइड करा कि कुछ सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी कर लूँगा कुछ की मैं ट्यूशन लगाऊंगा फिर ट्यूशनस की आप लोग ट्रायल क्लास लेने के लिए गए तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शर्मा क्लासेस पे गए गुप्ता क्लासेस पे गए बहुत सारी क्लासेस पे आप लोग गए फिर उसमें से आपने इवेलुएट करा ऑल्टरनेटिव कोर्सेज के किसकी क्लास अच्छी लगी घर पर आके देखा कौन सा टीचर ज़्यादा थोड़ा उसका दिमाग पर इंपैक्ट गया फिर आपने सेलेक्ट करा ओके कोचिंग नंबर ए इज बेस्ट फिर आपने इम्प्लीमेंट करा उस प्लान को आप काम करने लग गए भाई ट्यूशन क्लासेस में जाने लग गए सेल्फ स्टडी वाला खुद करा और बाकी फिर आप फॉलोअप करते रहे कि यार जो मैंने प्लान करा था वो ढंग से मैं अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा अब देखो बच्चों इसके अंदर का कंटेंट लिखा हुआ है इस कंटेंट को एक बार पढ़ लेना आई होप आपको इसके अंदर जो है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत सिंपल सिंपल सा मैंने लिख रखा है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग प्रमाइसिस सिर्फ एक बार आपको क्या करना है रीडिंग करनी है और कुछ नहीं है मैंने आप लोगों को समझा दिया ओके एक बार बोलते हो तो मैं पढ़ा देता हूँ फटाफट से सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या है ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है ठीक है ऑब्जेक्टिव आप सेट कर सकते हो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव कर सकते हो ठीक है डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टि मतलब आप लोग बताओगे हर एक डिपार्टमेंट को कि भाई देखो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वन थाउजेंड करोड की सेल्स करना उसमें आप क्या करोगे आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा दैन दीज है डाउन ऑल द इम्प्लॉज एट ऑल सो दैट दंडस्टैंड हाउ देर ऑप्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव ऑब्जेक्टिवस फिर इन लोगों को बताना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉय को कि भाई आपके जो डेली एक्शन है ना वो कंपनी को कैसे उसके ऑब्जेक्टिवस पूरा करवाएगा तो आपने बोला कि भाई आप एट आवर्स काम करोगे तो आप डेली की कितनी टी शर्ट्स बना के दोगे कंपनी को एट थाउजेंड टी शर्ट्स बनाकर दोगे तो धीरे धीरे कंपनी की सील्स हिसाब से बढ़ती जाएगी डेवलपिंग प्रेमाइस का मतलब क्या होता है एजम्शन जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस एक्जशन के बेसिस के ऊपर बच्चों आप लोग क्या करते हो प्लानिंग आपने एज्यूम करा था कि बिजनेस स्टडीज हम खुद पढ़ लेंगे तो आपने बिजनेस स्टडीज की कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई बाकी सब्जेक्ट्स के अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की आप लोग मैथ्स की आपने कोचिंग क्लासेस लगा ली ऑल मैनेजर्स इन्वाल्व इन प्लानिंग शुड भी फेमिलियर विद दैम बिकॉज प्लान आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट बेट बिट जित डिपार्टमेंट में इंप्लाइज काम कर रहे हैं उनके दिमाग में कंपनी का ऑब्जेक्टिवस क्लियर होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि उनको किस हिसाब से अपना डेली का काम प्लान करना है ताकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए ठीक है ओके okay, सर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मतलब देखो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए दो तीन ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं सर प्लान ए हो सकता है प्लान बी हो सकता है तो उसमें से आपको बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करना है एवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अब जितने भी आपके पास ऑप्शन थे उनका प्रॉपर क्या चाहिए इवेल्यूशन एवेल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर ठीक है हर एक ऑप्शन को आपको प्रॉपरली क्या करना है स्टडी करना है सेलेक्ट करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को अब जब चेकिंग वैकिंग कर ली तो आपने बेस्ट ऑप्शन को क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया तो जो आपका आइडियल प्लान कैसा होना चाहिए मोस्ट फीजिबल जो थोड़ा कंफर्टेबल हो आपके लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल होना चाहिए लीज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस उसके नहीं होने चाहिए ओके okay जी फिर फाइनली आप प्लान को इंप्लीमेंट करते हो और फिर फॉलो अप एक्शन जो भी आपकी डेली के जो टास्क है फिर आप देखते हो कि भाई मैंने प्लान्स के हिसाब से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा अब बेटा प्लानिंग की कुछ क्या होती है बच्चों लिमिटेशंस होती है बच्चों क्या होती है प्लानिंग की लिमिटेशन होती है मेरे को पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है रोड्स भी आप लोगों को पसंद आ रही है लेकिन आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है दोस्तों को शेयर करना है बिकॉज बेटा इस टाइम तो क्या करना है दोस्तों का थोड़ी सी दुआ मिलेगी आप लोगों को शेयर कर दोगे उनको अच्छी वीडियो ठीक है उनके भी मार्क्स आएंगे आप लोगों के मार्क्स आएंगे दोनों दोनों दोस्त अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओगे इंटरनल लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो बेटा प्लानिंग में लिमिटेशन क्या है प्रॉब्लम्स क्या है प्लानिंग लीड्स टू डिजिटिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है अगर आप जैसे प्लान बना रखा आपने कि डेली हम जो ना एट आवर्स की हमें स्टडी करेंगे तो आप उसको जो है ना फ्लेक्सिबल चेंज नहीं कर सकते आपका दिमाग वही है कि यार आठ घंटे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है तो यहाँ पर क्या हो जाता है रिजिडिटी हो जाती है फिर मान लो मैंने वर्कर्स को बोल दिया यार तेरे को एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और इस तरीके से ये अचीव करना है अब बेटा वो अपना दिमाग लगाएगा नहीं आप उसकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है क्योंकि तो मैंने उसको सीधा क्या बोल दिया दिस इज़ द वर्क यू हैव टू डू एंड दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू डू तो वो अपने रास्ता खुद नहीं बनाता खुद नहीं ढूंढता तो बेटा उसके अंदर की क्रिएटिविटी क्या हो जाती है बच्चों ख़त्म हो जाती है मैनेजर्स डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट ठीक है तो बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो आपको बिजनेस में भी चेंज करना चाहिए वो लोग नहीं करते स्टॉप टेकिंग और गिविंग सजेशनस एंड न्यू आइडियाज तो जिस वजह से क्या हो जाती है प्लानिंग में रिजिडिटी हो जाती है ब्लस डिटेल प्लानिंग में क्रिएटर रिजेट फ्रेमवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन तो डिटेल्ड प्लानिंग आप करोगे तो रिजिट फ्रेमवर्क क्या हो जाता है मतलब इसको आपको फॉलो करना ही करना है इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट आपका एनवायरनमेंट कैसा है डायनेमिक है प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक देर फो फ्यूचर एंटिसिपेशन आर नॉट ऑलवेज ट्रू अब बच्चों आप लोगों ने प्लानिंग करी ये सोचते हुए ना कि आपका बिजनेस अच्छा चलता जाएगा अब देखो आज से दो साल पहले क्या आ गया था एकदम से कोविड आ गया था जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव था टू के अंदर वो तो अचीव नहीं हो पाया होगा है ना क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है बच्चों आपका डायनामिक होता है प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं लेकिन हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए प्लानिंग में क्या लगती है बच्चों बहुत ह्यूज कॉस्ट लगती है क्योंकि बहुत सारे स्पेशलाइज लोग बैठ के प्रोफेशनल लोग बैठ के क्या करते हैं फ्यूचर uh, की प्रोडिक्शन करते हैं एंटिसिपेशन करते हैं फाइनली प्लानिंग बनाते हैं प्लानिंग बच्चों क्या हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है टाइम लगता है इसमें प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस अब आप लोगों का मैंने प्लान बना दिया तो एक और ऑपर गारंटी नहीं है कि आप लोग अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ही लोगे तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस अब मान लो जैसे मैं आप लोगों का स्कड्यूल बना के दे दिया मैंने आप लोगों को हो सकता है कोई बच्चा उसको फॉलो करे हो सकता है कोई बच्चा उसको फॉलो ना करे ठीक है तो गारंटी तो किसी बात की नहीं है यहाँ पे प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी बेटा रिड्यूस क्या हो जाती है आप लोगों की क्रिएटिविटी जब मैंने आप लोगों को स्केड्यूल बना के दे दिया तो सिर्फ आप क्या करते रहते हो उसको फॉलो करते रहते हो आपके खुद की क्रिएटिविटी क्या हो जाती है बच्चों खत्म हो जाती है ठीक है इतनी बात समझे आप लोग नहीं समझे जब मैंने ही सब कुछ करके दे दिया तो क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी खत्म मान लो अब ये वाले दो नोट्स हैं तुम लोगों को टीचर के नोट्स चाहिए अगर तुम खुद अपने नोट्स बनाते तो क्या मिलती थोड़ी सी नई क्रिएटिविटी मिलती अपने बनाए हुए नोट्स की बात अलग ही होती अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या होती है भैया प्लानिंग की थोड़ा बाहर से क्या प्रॉब्लम्स होती है प्लानिंग की एक्सटर्नल लिमिटेशन तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर चेंज आ गया बच्चों तो आपके प्लान क्या हो जाएंगे फेलियर हो जाएगा ना, ये लिमिटेशन है ना अब ये तो आपके कंट्रोल में है नहीं तो एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है दो थिंग्स वैसा बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है नेचुरल क्लामिटीज आ गई बेटा फ्लड आ गई अर्थक्वेक आ गई जिसकी वजह से आपका प्लान सक्सेस नहीं हो पाया चेंज इन द स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटेटर्स आप सोच रहे थे आपका कॉम्पिटेटर्स ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं लेकिन उसने एकदम से अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर दिया चेंज कर दिया उससे आपके प्लानिंग की क्या हो जाएगी बच्चों फेलियर हो जाएगी रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्नोलॉजी में एकदम से ऑल ऑफर सडन बहुत बड़ा चेंज आ गया जिसकी वजह से आपकी जो अभी करंट टेक्नोलॉजी थी वो क्या हो गई अपडेटेड हो गई उसमें बिजनेस नहीं हो पाएगा अच्छे से चेंजेज इन द इकोनिक एंड सोशल कंडीशन ऑल्सो रिड्यूज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग चेंजेज इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन में आपका चेंज आता है तो उससे रिड्यूस क्या हो जाती है आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग क्या हो जाती है कम हो जाती है इकोनॉमिक के अंदर मान लो कि इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी में कोई चेंज आ गया जैसे हमने बोल दिया कि जीएसटी आ गया था एकदम इकोनॉमी के अंदर या डिमोनेटाइजेशन हो गया था तो बिजनेसिस को थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था सोशल कंडीशन में चेंज आ गया सोशल आउटलुक में चेंज आ गया जिस वजह से प्लानिंग क्या हो जाती है इफेक्टिव हो जाती है अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं, हम plan. अब के होते हैं। बेटा होते है। जैसे कि एक होता है सिंगल प्लान और कुछ होते हैं प्लान तो होते हैं है है आप लोगों को सिंगल यूज प्लान वन टाइम यूज प्लान बेटा तो सिंगल यूज प्लान क्या होता है जिसको आप लोग सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल जैसे मान लो आप लोग क्लास ट्वेल्थ में है। आपने क्लास ट्वेल्थ का एक ही बार तो प्लान बनाओगे ना किसी का मन तो नहीं है ना उसको दोबारा से रिपीट करने का तो क्लास ट्वेल्थ के लिए आपने जो प्लानिंग करी कि कुछ सब्जेक्ट्स का हम लोग ट्यूशन लेंगे कुछ सब्जेक्ट हम लोग खुद पढ़ेंगे तो ये क्या सिंगल यूज प्लान जैसे ही क्लास ट्वेल्थ तो हमारी खत्म हो जाएगी ये प्लान क्या हो जाएगा आपका स्क्रैप हो जाएगा ये प्लान दोबारा से आप यूज़ नहीं करने वाले स अचीव जैसे ही आपका गोल अचीव हो गया ये प्लान दोबारा से रियर करनी होगा फ्यूचर दोबारा से आपको नहीं ये सब प्लानिंग वालानिंग करनी पड़ेगी ना ही इस प्लान को यूज करना पड़ेगा दे आर डिस्गार्डेड मतलब ये प्लान खत्म हो जाता है जैसे ही सिचुएशन ओवर हो जाती है तो जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म आपके प्लान भी क्या हो जाएंगे बेटा स्क्रैप हो जाएगा डिस्गार्डेड का मतलब क्या हो जाता है खत्म हो जाता है तो इसको बोलते हैं वन टाइम यूज प्लान जो कि बनाए जाते हैं पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जैसे मान लो आपको कोई कंस्ट्रक्शन का ऑफर मिला कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो आपने उस बिल्डिंग के लिए क्या करा बच्चों प्लानिंग करी और जैसे वो बिल्डिंग बन जाएगी वो प्लान भी क्या हो जाएगा ओवर हो जाएगा बात करते हैं बेटा स्टैंडिंग प्लान सर अब जैसे मान लो मैं जो प्लान जो बनाता हूँ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को बनाने के लिए एक ग्रूप्रिंट बनाता हूँ कि कितना एक जो चैप्टर है वो कितनी क्लासेस में खत्म हो जाना चाहिए तो बेटा मेरे वो जो प्लान जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टैंडिंग प्लान क्योंकि मेरे को हर साल उस प्लान को क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है हर साल मैं उस प्लान को फॉलो करता हूँ एक स्पेसिफाइड डेट पर अपने बैचेस को क्या कर देता हूँ ओवर कर देता हूँ तो स्टूडेंट के लिए वो जो प्लान होता है वो क्या होता है एंड वो होता है सिंगल यूज़ प्लान और मेरे लिए वो प्लान क्या होता है स्टैंडिंग प्लान होता है जिसको मैं बार बार क्या करता रहता हूँ रिपीट करते रहते हूं। तो ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीट यूज प्लान प्लान तो क्या होता है रिपीट यूज प्लान फोकस ऑन सिचुएशन रिपीटेडली तो मेरे पास हर साल क्या होता है? रहते हैं स्टूडेंट्स आते रहते हैं इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास के तो मैं वही वाला प्लान दोबारा से यूज करता रहता हूँ रिविजन एंड अपडेट्स आर डन रेगुलरली तो कभी कभार आपके सिलेबस में चेंज आ जाता है कोई चीज़ का एडिशन हो गया किसी चीज़ का डिलीशन हो गया तो मुझे अपने प्लान्स में भी क्या करना पड़ता है बच्चों चेंज करना पड़ता है सर ठीक है बेटा प्लानिंग के कुछ टाइप्स है पहला वाला टाइप है ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का पहला टाइप क्या है आपका ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए सर जी स्मार्ट होने चाहिए कैसे होने चाहिए आप लोगों के ऑब्जेक्टिव सर स्मार्ट होने चाहिए स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है एस का मतलब क्या होता है आप लोगों का स्पेसिफिक होना चाहिए एम से क्या होता है मेजरेबल आपका जो ऑब्जेक्टिव है कैसे होने चाहिए मेजरेबल आप उसको मेजर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव आपके अचीवेबल होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए दिमाग में कि एक्चुअली में आपको क्या करना है रेलिवेंट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव अब मैं मान लो बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर को और मान लो मैंने कोई इर से ऑब्जेक्टिव बना रखे उसका कुछ हो नहीं सकता मैंने ऑब्जेक्टिव बना रखा है मेरे को चांद पे जाना है एक दिन तुम लोग भी हंस पड़ोगे सर ये कैसा आपका वो बना रखा है आपने ऑब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है क्या क्या, क्या? मैं मून पर कभी जा सकता हूँ नहीं जा सकता सर ठीक है बात करते हैं टाइम बाउंड तो ये जो ऑब्जेक्टिव है दिस शुड भी टाइम बाउंड कि भाई एक साल में कम्प्लीट हो जाएगा दो साल में कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है व्हाट इज टू बी डन सर एक्चुअल में क्या करना है बच्चों इसके ऊपर केस स्टडी आ गई और टाइप्स ऑफ प्लान आठ तरीके के प्लान्स हैं और मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से टाइप का प्लान है तो ध्यान से पढ़ लो ये सारे पॉइंट्स को जो है ना कम से कम आपके माइंड में होना चाहिए वीडियो को ध्यान से देखा एंड रिजल्ट ऑफ प्लान के सर जब ये प्लान पूरा हो जाएगा कि मेरे हाथ में क्या होगा या मेरी कंपनी कहाँ पर होगी उसका ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा ऑल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव तो आपका जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो किस हिसाब से कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिवस को अचीव करने के लिए आपको दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपकी एक्टिविटीज़ भी कैसे किसी बच्चों का होता है हमको तो सिर्फ पास होना उस हिसाब से हरकतें कर रहे होते हैं क्लासेस को स्किप कर रहे होते हैं बंक मार रहे होते हैं घूम रहे होते हैं किसी के दिमाग में ऑब्जेक्टिव ऐसा नाइन्टी नाइन परसेंट मार्क्स लाने तो उस हिसाब से डेली एक्टिविटीज कर रहा होता है गाइड ओवरऑल बिजनेस प्लान्स तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या करता है गाइड करता है किसको बिजनेस प्लान्स को तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंट आपके माइंड में है तो आप लोग फिर क्या कर सकते हो स्टडीज़ को अटैम्प्ट अच्छे से कर सकते हो फिर बात करते हैं बच्चों स्ट्रैटेजी सर स्ट्रैटेजी क्या होती है तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ प्लान सर एक स्ट्रैटेजी एक तरीके से डिटेल्ड प्लान होती है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को तो डिटेल्ड प्लान को क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी बेटा स्ट्रैटेजी होती है लंबे समय के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि पाँच साल की मेरी जो स्ट्रैटेजी है छः साल की मेरी जो स्ट्रैटेजी है भाई पाँच साल में हम आई एस ऑफिसर जाएंगे ठीक है ये सब अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन तो एक स्ट्रैटेजी बनाई आपने उस एक्शन को आप क्या कर रहे हो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फॉलो कर रहे हो स्ट्रेटेजी को कौन बनाता है स्ट्रैटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है आफ्टर इन्वायरमेंट स्कैनिंग तो एन्वायरमेंट को देख के हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या होता है अपने बिजनेस का ब्लू प्रिंट होता है कि कैसे हमें अपने बिजनेस को फ्यूचर में रन करना है कि बच्चों मेरे पांच साल की क्या स्ट्रैटेजी है अभी मैं पांच साल तक कैसे पढ़ाऊंगा फिर पांच साल के बाद मैं कैसे पढ़ाऊंगा तो इस्ट्रेटी मेन डिसीजन वेदर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट मेन डिसीजन क्या लेते हैं स्ट्रैटेजी के लिए मेन डिसीजन वेदर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट कि क्या मुझे एक नया एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या बिजनेस के अंदर ही कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए जैसे मान लो मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ और मेरे को देखना था कि क्या मेरे को साइंस भी पढ़ाना चाहिए क्या मुझको एक और टीचर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस एन्वायरमेंट तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना बेटा वो चेंज हो सकती है किसके हिसाब से बिजनेस एन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है आया समझ में फटाफट फटाफट देखो फालतू की बात करने का टाइम नहीं है इसलिए मैं अपने काम की बातें कर रहा हूं इधर उधर के आप लोगों से बात नहीं कर रहा बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रेशियस है ठीक है तो ध्यान से उसको खर्च करो बात करते हैं पॉलिसीज की तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ लैंड पॉलिसीज क्या होती है अब भाई मान लो ऑर्गेनाइजेशन ओन वे टू हैंडल अ सिचुएशन भाई अपनी अपनी पॉलिसी आपने एक चीज को हैंडल करना है जैसे मान लो कोई बिजनेस करता है कि मैं किसी को उधार पे सेल नहीं करता नो क्रेडिट पॉलिसी मेक और बाय पॉलिसी या तो मैं खुद बनाऊं कि बाहर वाले से बना बनाया खरीद लूँ और फिर उसके बाद बेचूँ भाई ये आपकी खुद की पॉलिसी हो सकती है कि आपको सामान बना के बेचना है कि भारत वाले से खरीद के फिर बेचना है तो दिस इज योर पॉलिसी किसी को उधार नहीं देना ये आपकी पॉलिसी है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी उसको क्या बोलते हैं किसके ऊपर बेस्ड होती है आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अब आपने बोला कि हमें इतनी सारी सेल्स करनी है एक हज़ार करोड़ की सेल्स करनी है बेटा इतनी सेल्स करने के लिए आपको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कैश में इतनी सारी सेल्स आप लोग नहीं कर सकते ठीक है गाइड्स मैनेजर टू इंप्लीमेंट द अब मैनेजर को हेल्प मिलती है स्ट्रैटी बनाने के लिए किसकी वजह से कंपनी की पॉलिसीज की वजह से वो क्या डिसाइड करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कस्टमाइज्ड वे टू हैंडल अ प्रॉब्लम तो अपनी प्रॉब्लम अब हमने देखा कंपनी के अंदर के वर्कर्स बहुत डिले डिले आ रहे थे कोई दस बजे आ रहा है कोई साढ़े दस बजे आ रहा है कोई ग्यारह बजे आ रहा है तो हमने पॉलिसी चेंज कर दी हमने बोला एक काम करते हैं हमने एक बायोमेट्रिक स्कैनर लगा दिया बायोमेट्रिक स्कैनर समझते हो ना जब आप ऑफिस में आ जाओगे तो आपको थाम लगाना पड़ेगा उसमें आपकी क्या लगेगी कि अटेंडेंस जो दस बजे से लेट आएगा उसकी आधी सैलरी कट तो ये कंपनी की पॉलिसी पॉलिसी क्यों क्या प्रॉब्लम क्या थी भैया एम्प्लॉज लेट आ रहे थे तो हमने पॉलिसी बना दी जो भी लेट आएगा दस बजे के बाद तो उसकी आधी सैलरी हम लोग क्या कर लेंगे आधी सैलरी क्या मतलब एक डे की जो भी सैलरी होती है हजार रुपये सैलरी होती है वन डे की तो हम पाँच सौ रुपये उसके क्या कर लेंगे काट लेंगे अगर आप दस बजे से लेट हो गए तो ठीक है तो दिस वॉज कंपनीज पॉलिसी अब बात करते हैं बच्चों प्रोसीजर दिस इज फोर्थ टाइप्स ऑफ प्लान में प्रोसीजर क्या होता है प्रोसीजर प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स इन एडवांस तो प्रोसीजर क्या होते हैं सर स्टेप्स जो कि आपने पहले से ही एडवांस में स्टैब्लिश कर रखे है टू हैंडल फ्यूचर सिचुएशन ठीक है फ्यूचर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपने पहले से ही कुछ स्टेप्स क्या कर रखे हैं स्टैब्लिश बना रखे हैं दिस इज नोन एज प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फोलॉड बाई एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट सिचुएशन तो इंप्लाईज इसको फॉलो करेंगे अलग अलग सिचुएशन के अंदर मस्ट बी प्री डिटर्माइंड सो डट एवरी वन ये जो प्रोसीजर है ना आपको काम करने का ये हर एक एम्प्लॉय को पहले से ही पता होना चाहिए बताओ इंप्लॉयी आके सुबह बैठ कर उसको पता ही नहीं है बट इज़ द प्रोसीजर टू डू द वर्क काम को कैसे स्टार्ट करें तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए क्लियर ये जनरली किसके लिए होता है इनसाइडर्स हो गई कंपनी के अंदर के लोगों के लिए होता है बाहर के लोगों के लिए नहीं होते प्रोसीजर्स वगैरह जो होते हैं काम करने का प्रोसीजर आप पहले इनसे काम लोगे से चेक करवाओगे दूसरे वाले से रिव्यू करवाओगे और ठीक है ऐसे आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल मैनर क्रोनोलॉजिकल मैनर क्या होता है सीक्वेंस वाइज दिस इज स्टेप नंबर वन दिस इज स्टेप नंबर टू दिस इज स्टेप नंबर थ्री तो दिस इज द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो फॉर द वर्क अपने काम को कंप्लीट करने के लिए सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है बात करते हैं किसकी बच्चों मेथड्स की मेथड्स क्या होते हैं नाउ दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ मैन तो आप देखो कितने सारे हो गए तो इसको दिमाग में आपको क्या करना है रिटेन करके रखना है बिकॉज जबकि स्टडी आएगी उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप की बात करना और फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मेथड्स क्या है दे आर डिफाइंड एज फॉर्मुलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे वे ऑफ डूइंग द वर्क काम को कैसे कर रहे हो दिस इज नोन एज मेथड एम्प्लॉय के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके एक्शन के अंदर क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए मतलब आपको काम करने का मेथड क्या होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए गाइड करता है एम्प्लॉइज़ को कि बता मेथड उसको फॉलो करना है काम को अचीव करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन में और सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है काम को ईजी बना देता है बिकॉज इंप्लॉयी को पता है कि किस मेथड से उसको काम करना है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है चीज़ एक जैसी ही आप लोगों को मिलती है आप जैसे मान लो मैकडॉनल्ड्स है उसके बनाने के बर्गर बनाने के अपने कुछ मेथड्स हैं उस मेथड्स को जब वो सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं तो एक सेम टेस्ट का क्या मिलता है हर ब्रांच पे आपको बर्गर मिलता है कभी ऐसा तो नहीं होता ना किसी ब्रांच पे अलग टेस्ट है किसी ब्रांच पे अलग टेस्ट है नो सर जस्ट उसके मेथड्स क्या होते हैं एक जैसे रहते हैं प्रॉपर मेथड सेम टाइम प्रॉपर मेथड सेम टाइम एंड कॉस्ट मनी एफर्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी तो प्रॉपर मेथड को आप करते हो तो वो सेव करता है आप पे क्या आना चाहिए सेव तो प्रॉपर मेथड सेव करता है आपका टाइम कॉस्ट मनी को आपके एफर्ट्स को और आपकी एफिशिएंसी को भी क्या करता है इंक्रीज करता है अच्छे मेथड से काम करोगे तो कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे तो ये बेटा क्या है नेक्स्ट आ गए आग पर रूल्स रूल्स क्या होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कि भैया आप जब ऑफिस में आ रहे हो तो कुर्ता पजामा निक्कर पहन के टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते आप लोगों को फॉर्मल्स पहन के आने चाहिए तो दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन अब जैसे आपका स्कूल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कोड ऑफ कंडक्ट के कैसे आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो स्कूल का अंदर क्या है सर यूनिफॉर्म पहन के आनी आपको स्कूल की यूनिफॉर्म घर के कपड़े थोड़ी ना पहन के जाते हो स्पेसिफाइज वट टू डू एंड वट नॉट क्या करना है क्या नहीं करना बेटा रूल्स कैसे हैं रिजिक्ट इनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा कंपल्सिव इन नेचर है कंपल्सरी है ठीक है ये नहीं मन करा तो फॉलो करेंगे नहीं करा तो नहीं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है प्लान है कि देखो हमारी ये वाली यूनिफॉर्म होगी बच्चे को ऐसे आना है इस टाइम पर आना है स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आ सकता है ऐसे आ सकता है तो ये स्कूल के क्या होते हैं आप लोगों के रूल्स अब बात करते हैं प्रोग्राम्स शादी का प्रोग्राम शॉपिंग मॉल की कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम तो ये तो बहुत बड़े बड़े, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो प्रोग्राम कैसे बनता है प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें शादी करनी है पॉलिसी शादी को करने की पॉलिसी कि हम लोग अपने बच्चों की शादी अपनी कास्ट के अंदर कर रहे हैं प्रोसीजर कैसे करेंगे शादी को सर आसपास करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे शादी को कोई रूल्स होंगे कि किसी को हम पीने नहीं देंगे ठीक है सब कुछ अच्छे से होगा तो कुछ शादी के क्या है आप लोगों के रूल्स हो गए या फिर किसी उसकी शादी या कि भाई से वेज शादी होगी ठीक ओके okay सर खाना सारा वेज होगा वेज शादी का मतलब खाने में सब कुछ वेज होगा तो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए तो इसको प्रोग्राम कर सकते हो ना कि शादी भी तो एक तरीके का क्या होता है सब प्रोग्राम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं पॉलिसीज भी होते हैं प्रोसीजर्स भी होते हैं रूल्स भी होता है ठीक है डिटेल स्टेटमेंट अबाउट आ प्रोजेक्ट किसी एक प्रोजेक्ट की क्या है डिटेल स्टेटमेंट उसको क्या बोलेंगे प्रोग्राम प्रिपेयर फॉर वीडियस एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब शादी में एक रसम थोड़ी ना होती है दस तरीके की रसम होती है इन शो सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक वर्किंग रहती है बच्चों किसके अंदर कंपनी के अंदर है ना सिस्टम होता है ना पंडित जी बताते हैं पहले आपको ये काम करना पड़ेगा घर निकलने घर से निकलने से पहले गेट पे आपको ये करना पड़ेगा फिर बैठने के बाद आपको ये करना है फिर बैठने के बाद खाने से पहले आपको ये करना है फिर विरे लेने हैं है ना तो ये सारा क्या है सिस्टमैटिक वर्किंग है किसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो शादी के नाम से कैसे लड्डू सा खुशी सी आ गई तुम्हारे चेहरे पर बजट की बात करते बेटा दिस इज लास्ट बजट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स अब बजट क्या है शादी का भी सर बजट बनता है यहाँ पर हमने बजट बनाया कि सर 30 लाख के अंदर शादी करनी है 40 लाख के अंदर शादी करनी है इसमें गाड़ी कितना देंगे सोना कितना देंगे है ना तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिजल्ट को एक्सप्रेस करा हमने किसमें न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर घर के भी बजट बनते हैं ना कि कितनी इनकम आ रही है कितना खर्चा करेंगे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है अभी आपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पढ़ा गवर्नमेंट बजट स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अब बजट क्यों बनता है आपने बजट बना लिया कि घर का खर्चा अभी दस में करना है अब इसको कंपेयर कर रहे हो अब खर्चा हो गया घर में कितना पंद्रह का अब बजट कितना तो दस खर्चा हो गया पंद्रह का तो आप कंपेयर कर रहे हो पाँच हज़ार के एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ पर हो गया बजट कौन बनाता है मैनेजर बनाते हैं हर एक लेवल पे तो टॉप मैनेजमेंट भी बना रहे हैं मेडल भी बना रहे हैं और लोअर मैनेजमेंट भी बना रहा है है ठीक इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस बजट क्या है कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम डिविशन डिफरेंस कैन बी टेकन केयर ऑफ जैसे बजट बनाया ना दस हज़ार का खर्चा करना है खर्चा हो गया पंद्रह हजार का तो हम रीज़न पता कर रहे हैं कि भाई ये पांच हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा जो लगाइए फाइव थाउजेंड का एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ पर लगा ओके okay जी तो इसी के साथ आपका प्लानिंग का टॉपिक भी क्या हो जाता है खत्म हो जाता है आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे से करना कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता देना मैं उस डाउट को रिजोल्व करने की क्या करूँगा कोशिश करूंगा